प्रभास की अपकमिंग फिल्म राजा साहब का टीजर आ गया है दोस्तों। कल की मूवी ने अभी तक लगभग 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का कलेक्शन कर लिया है और अभी भी कल की मूवी का क्रेज बना हुआ है। लेकिन कल की मूवी के बाद राजा साहब का टीजर आ गया है और इस फिल्म का मुकाबला प्रभास का फिल्म का मुकाबला यश की टॉक्सी फिल्म के साथ होने वाला है, यानी कि दो बड़े सुपरस्टार के बीच आपको बिग क्लैश देखने के लिए मिलेगा। प्रभास और यश की फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और इन दोनों के बीच जब बिग क्लैश देखने के लिए मिलेगा तो कौन मारेगा बाजी वो तो जब फिल्म रिलीज होगी तभी पता चलेगा। लेकिन हम बात करने वाले हैं प्रभास की अपकमिंग फिल्म राजा साहब के बारे में दोस्तों, जिसका टीजर आ गया है। तो चलिए बात करते हैं टीजर के बारे में। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे और हम आपको नए नए फिल्म, कोरियन ड्रामा, चाइनीज ड्रामा के बारे में अपडेट करते रहे दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे दोस्तों। प्रभास की अपकमिंग फिल्म दी राजा साहब का पहले ही घोषणा पिछले साल घोषणा हुई थी और पिछले साल ही हमें पोस्टर देखने के लिए मिला था और टीजर अब आ चुका है दोस्तों। अगर हम टीजर की बात करें तो टीजर में प्रभास का लुक शानदार देखने के लिए मिला है, जिसमें वो एक बुलेट से उतरते हैं और सामने वाली कार के पास जाते हैं और कार के शीशा में अपने चेहरे को देखते उनके हाथ में गुलदस्ता है और वो गुलदस्ता के फूल को तोड़कर अपने ऊपर ही छींटते हैं, जिसमें वो कोट पैंट पहने हुए नजर आते हैं और उनका लुक एकदम राधे श्याम जैसा ही लग रहा है। कई लोगों को लग रहा है कि ये राधे श्याम का कहीं सीक्वल तो होने वाला नहीं है दोस्तों। राधे श्याम में प्रभास के साथ पूजा हेगड़े नजर आई थी, जो एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी जिसमें प्रभास एक हाथ पढ़ने वाले बनते हैं दोस्तों। और काफ़ी रोमांटिक एक्शन फिल्म थी जो खास कमाल कोई नहीं कर पाई थी। लेकिन अब दी राजा साहब दोस्तों, फिल्म का अगर हम कलर पैलेट देखें, यहाँ तक कि प्रभास का लुक कुछ कुछ राजा साहब जैसा भी था। अब वो एक एक्शन रोमांटिक फिल्म थी लेकिन इसमें दी राजा साहब के मेकर्स ये कह रहे हैं कि ये एक कॉमेडी हॉरर फिल्म होने वाली है, जिसमें प्रभास ने अभी तक काम नहीं किया है ऐसी फिल्म पे। तो ये एक कॉमेडी हॉरर फिल्म होने वाली, कितनी कॉमेडी हॉरर फिल्म होगी वो तो देखकर ही पता चलेगा। लेकिन कुछ कुछ ये राधे श्याम जैसा ही लग रही है, कहीं ये राधे श्याम जैसा फ्लॉप ना हो जाए। अब इस फिल्म का मुकाबला होने वाला है यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सी के साथ। दोनों के बीच बिग क्लैश हमें देखने के लिए मिलने वाला है। दोनों ही एक बड़े सुपरस्टार हैं और दोनों की ही फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। और मुझे जहां तक लग रहा है कि दोनों की फिल्म के बीच कोई ना कोई एक फिल्म आपको पोस्टपोन ज़रूर होगी, डेट आगे पीछे ज़रूर होगा, क्योंकि दोनों ही नहीं चाहेंगे कि दो बड़े सुपरस्टार की फिल्म एक साथ रिलीज हो, क्योंकि इन दोनों की फिल्म का असर दोनों ही पर ही देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो 10 अप्रैल को प्रभास की अपकमिंग फिल्म दी राजा साहब रिलीज होने वाली है। देखते हैं क्या कमाल करेगी और टॉक्सी फिल्म क्या कमाल कर देगी। दोनों के बीच बिग क्लैश हमें देखने के लिए मिलने वाला है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।